सो व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। माय नेम इज अंकित और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले अपना होम, ताकि हम ऐसे खुले में ना रहें। तो मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा उसके लिए वुड्स चाहिए होंगी, वो भी अलग अलग तरीके की, और मेरे को काफी ज्यादा वुड माइन करनी पड़ेगी। तो मैं वुड माइन करके तुम सभी को मिलता हूं। तब तक तुम लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन के साथ जाके भसड़ मचाओ, मैं आता हूं अभी। मैं कब से पीछे शायद आधे घंटे से वुड माइन कर रहा हूं, और अभी तक शायद इतनी ही बनी है, और मेरे को काफी ज्यादा अलग अलग टाइप की वुड चाहिए होंगी। ओके, तो मैंने थोड़ी और वुड माइन कर ली और मेरे पास अब थोड़ी बहुत वुड्स होने लग पड़ी हैं। मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे लगा के यहाँ पर एक चीज़ बनाई है तुम सभी को दिखाने के लिए, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। फिर भी मैं तुम सभी को दिखा देता हूँ। और ये जो तुम पीछे फर्नेस देख रहे हो, ये मैंने ही लगाए हैं, और मैंने सारी जगह प्लेन कर दी है। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? अगर तुम सभी को वो चीज़ पसंद आएगी तो अभी के अभी जाके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हें कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना यार। अब तो मैंने बहुत मेहनत से ये चीज़ बनाई है। ओके, तो 1 2 3 लेट्स चेक इट आउट। मैंने पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद ये घर बनाया है। देखो, अगर तुम सभी को पसंद आया ना तो अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। और मैंने यहाँ पर शवल का यूज़ किया, और मैंने पता नहीं कितनी वुड माइन की, और उसके बाद उसको अलग अलग वुड्स में कन्वर्ट किया। और अभी वैसे ये पूरा घर बना नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है इसका। यहाँ पर भी फेंस, गेट वगैरह काफ़ी कुछ आना है। अभी दरवाज़ा भी नहीं लगाया, और ये जगह मैंने इसलिए खाली छोड़ी है ताकि मैं नीचे वाले पोर्शन के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ डाल पाऊँ, और नीचे का पोर्शन अभी वैसे खाली पड़ा है, तुम लोग देख सकते हो। मैंने इस गेम में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर ली है, मैं ऑफलाइन होकर थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता हूँ ऑनलाइन के मुकाबले। अब तुम लोग ये देखो, मैंने यहाँ पर फेंस गेट का किस तरीके से यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े ओक लीव्स वगैरह भी डालने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर थोड़ा लुक अच्छा है। तो मैं घर तो बिल्ड कर चुका था, लेकिन मेरे को अभी भी आयरन वगैरह की काफ़ी कमी हो रही थी। मैंने अभी तक आयरन फार्म वगैरह नहीं बनाया, तो ना मेरे पास ज़्यादा कोल वगैरह था, ना मेरे पास मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे, तो मेरे को वापस से केम में आना पड़ता है, और मैं यहाँ से थोड़ी बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा करता हूँ। तो जैसे मैं केम में आता हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की पार्टी चल रही थी, और मैं गलती से यहाँ पर आ जाता हूँ, और स्केल्टन ने देखो मेरे को क्या हेडशॉट मारा है। और यहीं पर मेरे को आसपास इतना आयरन मिल चुका था कि मैं मतलब अपने टूल्स और आर्मर वगैरह बना सकूँ। बस मेरी लेगिंग्स रह गई है, और वो भी मेरे से अब शायद बन जाएगी। ओके, तो हमारा पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर मेरे वर्ल्ड का पहला पेट मिल चुका है, जिसको मैं अभी अपने साथ घर लेके जाने वाला हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अपने इस पेट को यहीं पर मैं अभी बाहर रखूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है इसको कहीं पर रखने के लिए। तो पहले मैं इसके लिए जगह बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसको कहीं रखूँगा। और ये चेक करो तुम सभी, मैंने फेंस के ऊपर ओक लीव्स भी लगा दिए हैं। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम सभी को वीडियो में मज़ा आया और तुम सभी इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो, तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में मत बताना भूलना कि कैसी लगी तुम्हें वीडियो, और लाइक तो कर ही देना यार। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ तुम सभी को नेक्स्ट वीडियो।